ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ത്യ. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. SSC bank और railway में job पाना गर्व की बात है, पर उसका पहला step है exam को clear करना. और अगर आपको कोई guide करे, shortcut और tricks बताए और motivate करे, तो आपकी सफलता निश्चित है. हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी. और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें. Hey guys, welcome to Wi-Fi Study Changing the Way of Learning. मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल Wi-Fi Study पे. Now Wi-Fi Studies become the part of an academy. Biology के important point हमेशा परेशान करती है. biology बहुत अजीब सब्जेक्ट होता है biology का. एक्चुअली मेरे पिताजी का भी biology सब्जेक्ट था, उन्होंने BSc की थी उससे, लेकिन फिर भी शायद वो ट्रांसमिट नहीं हुआ. क्या वो ट्रांसफर मेरे तक नहीं हुआ. फिर भी मैंने प्रयास किया है बायोलॉजी का. मेरा जो एग्जाम निकला वो बायोलॉजी से ही निकला है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से. लेकिन फिर भी मैं नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे लगता है कि बायोलॉजी उस लेवल की नहीं पढ़ा सकता जिस लेवल की मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लोगों से. लेकिन एक बार ट्राई करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर समझाने वाला कुछ भी नहीं है. सीधे 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 रटना है, सीधे रटना है. ठीक है, चलिए सर लगाइएगा, फुल स्क्रीन में लगाइएगा भाई साहब, फुल स्क्रीन में लगाइए. देखिएगा इसको क्या लिखा है आपकी स्क्रीन में. पहले लिखा है कि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं. देखिए पहले राइट में लिखा होगा सिक्कों का अध्ययन. जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, उनका जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं कि आपका न्यूमिस्टमैटिक. क्लियर, न्यूमिस्मैटिक याद रखिएगा, न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं कि इसको, सिक्कों के अध्ययन को. नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि ध्वनि विज्ञान जो होता है, जो ध्वनि विज्ञान होता है जो, उसका क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं आपका एकॉस्टिक्स. क्लियर, याद रखना, सीधे याद करना आपको. नेक्स्ट लिखा है कीटों का अध्ययन. कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, एंटोमोलॉजी. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लो, इसको कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोलते हैं, इसको हाईलाइट कर लो, क्वेश्चन पूछता है. नेक्स्ट आपका है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी. पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी. अभी मूवी आई थी रोबोट 2.0 समथिंग करके, रजनीकांत साहब की, उसमें पक्षियों से रिलेटेड बताया था चीजों को, हो सकता है पूछ ले, तो ऑर्निथोलॉजी टिक कर लो, इसको भी हाईलाइट कर लो. नेक्स्ट है रेशम कीट का पालन, सेरीकल्चर. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी हाईलाइट कर लेना, बार बार पूछता है क्वेश्चन. नेक्स्ट है एपीकल्चर. एपीकल्चर क्या हो जाएगा आपका, मधुमक्खी पालन का अध्ययन. क्या हो जाएगा, एपीकल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन का अध्ययन. नेक्स्ट है फलों का अध्ययन, जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसको बोलते हैं पोमोलॉजी. ये भी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही रखा है मैंने, एक का छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट याद ही करना आपको. नेक्स्ट लिखा है क्या आपका, मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है. मछली पालन कहलाता है आपका पीसी कल्चर. कौन सा कल्चर, पीसी कल्चर. नेक्स्ट है कवक का अध्ययन. कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, कवकों का अध्ययन कहलाता है आपका माइकोलॉजी. याद रहेगा कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी बोलते हैं. शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है. और जो पुष्पों का अध्ययन होता है, फूल का अध्ययन होता है, उसको बोलते हैं क्या आपका, एंथोलॉजी. क्लियर, याद रहेगा, ये चार पूरा का पूरा चार्ट कंप्लीट है. चलिए नेक्स्ट लगाइए सर, नेक्स्ट देखेगा. अच्छा, फलों का जो अध्ययन, एक बार दोबारा टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. फल का जो अध्ययन उसको पोमोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट लिखा है कि जो मछलियों का अध्ययन होता है, जो मछली होती है उनका जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं क्या, इक्थियोलॉजी. देखिए जो मछली पालन का अध्ययन होता है उसको पीसी कल्चर बोलते हैं, लेकिन मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है. नेक्स्ट लिखा है कि वृक्ष और झाड़ियों का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं डेंड्रोलॉजी. वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन जो होता है डेंड्रोलॉजी कहा जाता है. नेक्स्ट लिखा है सर्पों का अध्ययन, सांप, ओफियोलॉजी. जो सर्प सांप स्नेक होता है उसको ओफियोलॉजी बोलते हैं. अगला है छिपकलियों का अध्ययन, सोरोलॉजी. और लास्ट वाला है काष्ठी पेड़ों का जो संवर्धन है उसको सिल्वी कल्चर कहा जाता है. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों चार्ट को सर, 5-5 सेकंड के लिए एक बार फिर से प्लीज लगा दीजिएगा. 5-5 सेकंड के लिए दोनों चार्ट आपके स्क्रीन में है, फिर से एक बार देख लीजिएगा. आपका सिक्कों का अध्ययन से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट जा रहा है आपका कहां तक, एंथोलॉजी पुष्प के अध्ययन तक. और सेकंड चार्ट आपका पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से जा रहा है सिल्वी कल्चर तक. रट लियो, रट लियो, रट लियो भाई साहब, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे है ना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो. और नेक्स्ट लगाइए सर, नेक्स्ट आपका बेहतरीन चार्ट है, इंपॉर्टेंट चार्ट है. इसमें देखिएगा लिखा है कि कुछ सामान्य जो पदार्थों का पीएच मान, पहली बात तो यह है कि जो पीएच मान होता है अगर 7 से कम है तो एसिड होगा, और 7 से ज्यादा है तो बेस होगा. याद करने का तरीका ए बी,
एसिड और बेस, ए बी सेवन से कम में एसिड, सेवन से ज्यादा में बेस। अब देखेगा जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच कितना होता है, सेवन होता है। जो सिरका होता है उसका 2.4 से 3.4 होता है, मतलब जो सिरका होता है कैसा होता है, एसिडिक होता है। नेक्स्ट लिखा शराब, जो शराब का होता है कितना होता है 2.8 से 3.8, कड़वा होता है क्योंकि एसिड कड़वा होता है, तो 2.48 से 3.8 है। दूध होता है, जो दूध का कितना होता है, दूध का आपका होता है कितना 6.4 से 6.66, याद रखिएगा ये भी एसिडिक है क्योंकि ये से कम है। जो समुद्री जल होता है, देखिएगा समुद्री जल में क्षार ज्यादा होता है, नमक नमक बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से 7+ होता है, इसे बेस होता है, ठीक है, बेस थोड़ा सा नमकीन नमकीन सा होता है, तो ये हो जाएगा कितना 8.4। जो लार होती है इंसान की वो होती कितनी आपकी 6.5 से 7.5, लगभग पानी की जैसे होती है ना। उसके बाद मूत्र जो होता है उसका 6 होता है, जो यूरिन होता है आपका वो कितना होता है 6। लास्ट होता है रक्त, खून का होता है 7.4, और लास्ट वाला लिखा है कौन सा, नींबू का रस जो होता है 2.2 से 2.4, खट्टा होता है। क्लियर, इस चार्ट को एक बार फिर से ऊपर से देख लीजिएगा आसानी से। क्लियर, चलिए सर हटाइएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछता है साहब, हमेशा क्वेश्चन यहां से आते हैं, मैंने सोचा इसका एक वीडियो बना के दे दूं ताकि एक 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट की वीडियो में आप इसको रट लो। मैंने फिर से बोला है कि सैटरडे संडे मेरे 8 वीडियोज आए हैं, कितने वीडियोज आए हैं, 8 वीडियोज आए हैं। अगर मैं आपको पढ़ के बता दूं तो अगर जो पुराना वाला चैनल जहां पर 6.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जहां पर आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, सैटरडे में 2 वीडियो लेके आया था, एक वीडियो लाया था रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस का, करीब 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे। उसके बाद एक वीडियो ले आया था भारत के पड़ोसी देशों को, जितने भी देश हैं उनको कौन कौन से राज्य टच करते हैं, भाई पश्चिम जो बांग्लादेश है उसको कौन कौन से भारत के राज्य टच करते हैं, चाइना को कौन कौन से करते हैं, 2 वीडियो ये हो गए। सेम ऐसे ही 2 वीडियो में लाया था कल, कब, न्यू वाले चैनल में, न्यू वाले चैनल में कौन कौन से थे, एक था आपका सार्क से रिलेटेड, सार्क और आसियान की कंट्रीज को नाम कैसे याद करना है, और एक था गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और आज अगर बात करें संडे की, तो संडे को आज 2 वीडियो हैं, एक क्वेश्चन हो जाएगा जाने भारत की जनगणना, भारत की जनगणना के बारे में सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 25-30 रन हो गए, और एक ये वाली ट्रिक हो गई। और अगर न्यू चैनल की बात करें तो न्यू चैनल में एक लेके आया हूं नोबेल पुरस्कार, और एक ट्रिक लेके आया हूं 1857 में कौन कौन कहां से पार्टिसिपेट किया और किसको किसको हराने के लिए किसको किसको भेजा गया था। क्लियर, इस वीडियो को ध्यान से लाइक करना है, ढेर सारा शेयर करना है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सअप में, ट्विटर में, टेलीग्राम में, जहां जहां हो सके सारे के सारे जगह शेयर कर देना वीडियो को। और याद रखना 11 मार्च से शाम को 5 बजे मिलूंगा जीके के साथ में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, मास्टर क्लास होगी, और आप लोग सारे के सारे आके बताइएगा कि मुझे क्या स्टार्ट करना है, वहां पहले आपसे पूछूंगा, अगर आप बोलोगे टॉपिक पढ़ाओ तो टॉपिक पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन पढ़ाओ तो क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, मेरी जिम्मेवारी है, वो आप अपने ऊपर मत छोड़िएगा, मैं देख लूंगा, बस आप मुझे ये बता देना कि क्या पढ़ना है, सारे के सारे को आना क्योंकि सर्वे करवाने वाला हूं, सर्वे में सबको पार्टिसिपेट जरूर करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।